नमस्ते, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर में संस्कृत की क्लास में हमने अलंकार प्रारंभ किए थे और अलंकारों में से हमने केवल एक अलंकार अभी तक पढ़ा है और वह है अनुप्रास अलंकार। आज की दूसरी क्लास में हम यमक अलंकार प्रारंभ करने जा रहे हैं। यमक अलंकार का लक्षण कुछ इस तरह से है, ये भी एक शब्द अलंकार है। यमक अलंकार का लक्षण है सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेने वावृत्ति यमकम विनिगद्य थे। इसका अर्थ होगा स्वर व्यंजन संहते, स्वर और व्यंजनों के समूह की। अनुप्रास अलंकार में केवल व्यंजनों की आवृत्ति अनिवार्य थी, लेकिन यमक अलंकार में स्वर व्यंजन संहते, स्वर और व्यंजन दोनों की संहति, संहति का अर्थ है समूह। जहां स्वर व्यंजन संहते, स्वर और व्यंजनों के समूह की, तेन एव क्रमेण आवृत्ति, उसी क्रम में आवृत्ति होती है, तो यमकम विनिगद्यते, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। अब स्वर व्यंजनों का समूह का अर्थ हो गया शब्द। स्वर और व्यंजनों के समूह को तो हम शब्द ही कह सकते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में तो केवल व्यंजन की आवृत्ति अनिवार्य थी और यहाँ पर पूरे शब्द की आवृत्ति अनिवार्य है। एक ही शब्द एक से अधिक बार यदि आता है तो वह यमक अलंकार होता है, लेकिन जब एक ही शब्द दो बार आता है, यहाँ शब्द के लिए स्वर व्यंजन संहति शब्द का प्रयोग किया, तो क्या उन दोनों जगह उस शब्द का सार्थक होना जरूरी है, या दोनों जगह निरर्थक होगा तब भी चल जाएगा, या एक सार्थक और एक निरर्थक होगा तब भी चल जाएगा। इसके लिए कहा है कि सत्यर्थे, वे दोनों सार्थक भी हो सकते हैं, पृथक अर्थाया, या दोनों निरर्थक भी हो सकते हैं, या उनमें से एक सार्थक और एक निरर्थक भी हो सकता है। लेकिन यदि किसी पद्य में दोनों पद सार्थक हुए जिनकी आवृत्ति हो रही, तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं होगा। अगर दोनों का अर्थ एक ही है तो वहां पर यमक अलंकार नहीं होकर अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं। नव पलाश पलाश वनम पुरह स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे। शिशुपाल वदम का ये पद्य है, उसने कहा है कि स स अर्थात उसने, उसने किसने, कृष्ण ने पुरह सामने अलोकयत देखा। अब कृष्ण ने सामने क्या क्या देखा, देखो आप। नव पलाश पलाश वनम, नवीन पत्तों से युक्त ढाक वन को देखा। नव का अर्थ है नवीन, पलाश का अर्थ है पत्ते और दूसरे पलाश का अर्थ है ढाक। प्रथम पलाश का अर्थ पत्ते और दूसरे पलाश का अर्थ ढाक। उन कृष्ण ने नव पलाश नवीन पत्तों से युक्त पलाश वनम, पलाश वन को अर्थात ढाक वन को अलोकित देखा पूरा सामने। और सामने क्या क्या देखा, और सामने देखा उन्होंने स्फुट पराग परागत पंकजम। स्फुट, स्फुट का अर्थ है स्पष्ट, पराग स्पष्ट पराग कणों से युक्त। यहां पर स्फुट का अर्थ है स्पष्ट, स्फुट पराग स्पष्ट पराग कणों से परागत युक्त पंकजम कमल को देखा। प्रथम पराग का अर्थ है परागकण और दूसरे पराग का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ है परागत का, परागत का अर्थ है युक्त। स्पष्ट पराग कणों से युक्त पंकजम कमल को देखा। और मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल, कोमल और तांत मुरझाए हुए लतांतम लता कुंज को अलोकित देखा, कोमल और मुरझाए हुए लता कुंज को देखा। और क्या देखा, स उस कृष्ण ने सुमनो भरे फूलों के गुच्छों से सुरभिम सुगंधित सुरभिम वसंत ऋतु को देखा। एक सुरभि का अर्थ है सुगंधित और एक सुरभि का अर्थ है वसंत ऋतु, दोनों पद भिन्न भिन्न है, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तीसरे चरण में तांत का अर्थ है मुरझाए हुए, लतांत का अर्थ लता कुंज, प्रथम लतांत का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ है तांत का, ल तो मृदु के साथ।
इसलिए तीसरे चरण में पहला लतांत तो निरर्थक है, दूसरा लतांत सार्थक है, और चौथे चरण में सुरभिम सुरभिम में दोनों सार्थक है, प्रथम चरण में पलाश पलाश में दोनों सार्थक है, दूसरे चरण में पराग पराग में पहला सार्थक है, दूसरा निरर्थक है। दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं हम, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। इसमें कहा है अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम, यद्यपि सभी जगह नीरज राजितम नीरम अस्ति, कमल से सुशोभित जल है। यद्यपि सर्वत्र नीरज राजितम नीरम, कमल से सुशोभित जल है, तथापि रमते न मराल से मानसम वानसम विना। देखो यद्यपि सर्वत्र, यद्यपि सभी जगह नीरज राजितम, नीरज का अर्थ कमल, राजित यानी सुशोभित, नीरज राजितम कमल से सुशोभित जलम नीरम जल है, फिर भी मरालस्य मानसम हंस का मन, मराल कहते हैं हंस, हंस का मन मानसम विना, मानस के बिना अर्थात मानसरोवर के बिना न रमते, कहीं रमता नहीं है, अर्थात नीरज कमल तो सब जगह ही हर सरोवर में ही कमल है, लेकिन हंस हर सरोवर में लीला।